आरके सिंह को जानते हैं आप? नहीं जानते। यहाँ किसी से पूछ लीजिए कि कोई एक भी काम उनका आदर्श गांव के थ्रू हुआ हो तो आप बता दीजिए। आदर्श ग्राम का मतलब होता है कि जिला में सबसे टॉप गांव आए, यानी सबसे बेहतर गांव। हम लोग आपस में मिल के चलने वाले हैं, आज से नहीं। हम लोग खानदान दर खानदान जो है, पुराने आदमी लोग जो थे, मोहब्बत था, अब ऐसा हो गया है कि मोहब्बत बढ़ गई। मैं बहुत पहले वादा किए थे कि हम हॉस्पिटल बना के देंगे 10 बेड या 20 बेड का, लेकिन अभी तक इस पे कोई निर्णय नहीं हुआ। आरके सिंह से तो हमारा यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ। आज के कोई बोर्ड नहीं टंगा, एक सोलर लाइट टंगा है रोडवा पर, और तो कुछ हुआ नहीं। नमस्कार, मैं सतीश सरकार, आप सभी देख रहे हैं हंगामा जंक्शन। अभी हम लोग आदर्श योजना गांव के तहत जो आरके सिंह जी जो आरा लोकसभा से सांसद हैं, उनके द्वारा गोद लिया हुआ गांव गुड़ी गांव है। यहां से लोगों की आज प्रतिक्रिया लेने वाले हैं कि जब से आरके सिंह जी ये गांव को गोद लिए हैं, इस गांव को, उसके बाद से यहां क्या कुछ बदलाव आया हुआ है। सबसे पहले क्या नाम पड़ेगा आपका? सुदर्शन कुमार। क्या करते हैं? क्लिनिक है, डिस्पेंसरी है मेरा। एक बात बताइए, यहाँ लोकसभा सांसद आरके सिंह जी महोदय हैं, तो जो इस गांव को गोद लिए हैं, ये बात पता है कि नहीं अभी? है। तो जब से गांव को गोद लिए हैं, उस समय से गांव का तेजी से विकास हुआ कि नहीं? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, क्यों? अब क्यों तो वो ना बताएंगे। आरके सिंह जी, 5 काम उनका आप ही बता दीजिए ना। तो आप रहते हैं, आप बताएंगे ना, क्योंकि दर्शकों के भी चेहर जाएगा ना। वो कि आदर्श ग्राम जब यहाँ घोषित हुआ तो गांव को तो बहुत खुशी हुआ कि चलिए आदर्श ग्राम गुंडी हुआ, लेकिन यहाँ एक भी काम नहीं हुआ आदर्श ग्राम के थ्रू, यानी उनके थ्रू एक भी काम नहीं हुआ। किस तरह के काम चाहते हैं आप? देखिए, हमारे हमको छोड़ दीजिए, आप यहाँ किसी से पूछ लीजिए कि कोई एक भी काम उनका आदर्श गांव के थ्रू हुआ हो तो आप बता दीजिए। नहीं तो किस तरह का काम आप सोच रहे थे आरके सिंह महोदय के द्वारा जब गांव गोद लिया गया, तो उसके बाद से वो काम नहीं हो पाया है? आदर्श ग्राम का मतलब होता है कि जिला में सबसे टॉप गांव है, यानी सबसे बेहतर गांव है, तो यहां कौन सा आपका बेहतर काम दिखाई पड़ रहा है? कुछ नहीं। क्या उम्मीद थी, किस तरह की? कॉलेज, अस्पताल, गर्ल्स स्कूल, या फील्ड, या रोड, सड़क, बिजली, या सारी कोई भी उनके द्वारा किया हुआ नहीं। बिजली नहीं है? बिजली तो पहले से है यहाँ पे, तो हो सकता है कि ग्राम के थ्रू नहीं है, पहले से ही था। तो आदर्श ग्राम के तहत क्या चाहिए था आपको जो अभी तक नहीं कर? यहाँ देखिए, एक सुंदर फील्ड चाहिए, यहाँ एक सुंदर अस्पताल चाहिए, यहाँ गर्ल्स स्कूल चाहिए, और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो चाहिए हमको, लेकिन वो कहा कुछ नहीं हुआ है। स्कूल तो यहाँ स्कूल सामने है, हम जानते हैं कि मुखिया के थ्रू हुआ है, लेकिन सांसद महोदय का इसमें लेना देना नहीं है। अच्छा, सांसद महोदय इस गांव में आते हैं कि नहीं आते? कभी नहीं, जब से जीते हैं। इलेक्शन का टाइम है, अब दौरा करेंगे। इसके पहले कभी नहीं? गुड़ी गांव में गोद लिए हैं, उसके बावजूद आए नहीं हैं? जो युवा वर्ग हैं, 18 साल से उम्र के हैं, अभी तक हमको लगता है कि 50% आदमी उसका नाम जानते हैं, चेहरा तक भी नहीं देखे हैं। पूछिए तो यहाँ, अच्छा हमारे 18 साल के उम्र के लड़के हैं, इन लोगों से पूछिए तो कि आरके सिंह को आप लोग देखे हैं? आरके नाम जानते हैं, लेकिन पूछिए कि देखे हैं? और यहाँ पे काम भी नहीं हुआ, आप ऐसा बता रहे हैं? हाँ, स्कूल तो यहाँ पे सामने दिख रहा था, स्कूल है। जब घोषित हुआ उसके अनुसार 1% भी काम नहीं हुआ है। शिक्षा? कुछ नहीं। स्वास्थ्य? कुछ नहीं। रोजगार के तौर पे? कुछ नहीं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे अगर बात की जाए तो यहाँ के जनता जो बता रही है, अभी और भी लोगों से जानेंगे, लेकिन इनका फिलहाल कहना है कुछ नहीं किया। अच्छा, आरके सिंह का नाम जानते हैं ना? नाम जानते हैं। देखे हैं कि नहीं कभी? टीवी में ये गांव को गोद लिए हैं जी, आप कह रहे हैं कि टीवी में देखे हैं? इस गांव को गोद लेके भोजपुर जिला का आदर्श गांव बनाने के लिए गोद लिए थे? कब जाते हैं, हमको थोड़ी उनके चक्कर में हम रहते हैं। गाँव के जो थ्रू काम हुआ है, उस काम को यहाँ कोई भी बता दे, 5 काम बताइए या 3 काम बताइए कि आदर्श ग्राम थ्रू के कोई काम हुआ हो। अच्छा, और भी लोग मौजूद हैं, देखिए यहाँ पे। अच्छा, आरके सिंह को जानते हैं आप? नहीं जानते हैं। जानते ही नहीं है, वोट देते हैं? वोट देते हैं, उनको हमने कभी देखा ही नहीं है। कि तो सांसद महोदय ही पता है ना कि ऊर्जा मंत्री भारत के जो है, कौन है वो? आरके सिंह है ना, तो इसी लोकसभा क्षेत्र के सांसद है ना वो? हाँ, गोद लिया था इस गुड़ी गांव के। आप गुड़ी गांव के ही हैं? तो गांव को गोद लिए हैं, आपको पता नहीं है, देखे ही नहीं है आप? तो क्या करे ऐसा आदमी के करेगा, जो एक बार गांव में नहीं आया है, गोद लिया है तो गोद में आज तक कोनो काम भी ना हुआ है, तो उस आदमी के नाम लेके क्या करें हम, बताओ? गांव का विकास नहीं किए, इतना सारा स्कूल भी चल रहा है, रोड सड़क सब बना हुआ है, बिजली भी है ना, सब मुखिया के देन है, पहले से है? और पहले से है, पहले से। तो फिर से अगर वो चुनाव लड़ने आते हैं लोकसभा चुनाव पे, अगर बीजेपी टिकट देती है तो उनके समर्थन में नहीं रहेंगे आप? समय आएगा तो देखा जाएगा।
अच्छा एक बात और जानना चाहेंगे कि ये जो कहरी बगल में ही पड़ता है वहाँ से पवन सिंह जी जो है वो सुपरस्टार कलाकार हैं भोजपुरी के, वो भी अब की बार टिकट का दावा कर रहे हैं, तो अगर उनको टिकट मिलता है तो क्या जो विकास करेगा उसको वोट किया जाएगा? मतलब तो अभी तो मान लीजिए बन के ही आएंगे, विकास करेगा उसको वोट किया जाएगा सर? चुनाव के पहले कोई नहीं, जात पात का मतलब नहीं है, पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन पहली बार जब चुनाव लड़ने के लिए बोल रहे हैं, पास के गांव कहीं है आपके, तो उनको समर्थन दे पाएंगे कि नहीं? टिकट मिलने के बाद सोचा जाएगा टिकट। आर के सिंह जी पे क्या विचार रहेगा जब बोल रहे हैं कि ऐसा? अच्छा आप तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे विकास ही नहीं किया है, तो फिर कैसे टिकट मिलेगा? भी बेहतर कोई कैंडिडेट आता है तो उसके बारे में सोचा जाएगा? पार्टी मायने रखे है कि नहीं? हमको पार्टी से मतलब नहीं है, विकास चाहिए। क्या नाम पड़ेगा आपका? मोहम्मद मंसूर आलम। अच्छा एक बात बताइए, इस गांव को आर के सिंह जी गोद लिए हैं जो अभी आरा लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं जी, आर के सिंह जी को देखे हैं कभी? हाँ बहुत बार, हाल ही फिलहाल हमारे सरैया पंचायत के होते हुए पूर्वी गुंडी सरैया होते हुए गए थे, माझी जो पानी वाला जहाज होता है उसको ठहराव के लिए उद्घाटन में गए थे। अच्छा उधर जाते हो, गाँव में कभी देखे हैं कि नहीं? गाँव में हमारे गाँव में बहुत दिन पहले एक बार आए थे जी। अच्छा गांव का विकास जब से गोद लिए हैं तो कितना कर पाए हैं? कुछ लोग तो बता रहे हैं क्या थोड़ा बहुत, जैसे विवाह मंडप किए हैं, बनवा दिए हैं वहाँ पे, लेकिन उनसे एक अनुरोध है कि हमारे पंचायत में एक प्ले ग्राउंड बनाया जाए, ठीक ना, कि उस पर कुछ लड़का लोग अपना खेल कूद के लिए दौड़ उड़ के लिए विकास करें। तो यहाँ पे गुड़ी गांव में खेलने का कोई जगह नहीं है, दौड़ने के लिए कोई जगह नहीं है? कोई जगह नहीं है, सब प्राइवेट में अपना दौड़ता है लोग, किसी किसी द्वारा बनाकर रोड पर दौड़ता है लोग, लेकिन खेलने कूदने के लिए कोई जगह नहीं है। अब पवन सिंह जी जो कहरी गांव के हैं, जो कहरी गांव पासे में है ना, वो भी अब कई बार टिकट के लिए मतलब देख रहे होंगे, उनका फोटो वायरल हो रहा होगा तेजस्वी यादव के साथ, कभी कभी नीतीश कुमार जी के साथ, कभी बोला जा रहा है कि बीजेपी से टिकट लेके आएंगे, तो उनको कितना समर्थन दे पाएंगे आप लोग? उनको लिए समर्थन के लिए अभी देखिए विकास के ऊपर निर्णय किया जाएगा, अभी आगे अभी इलेक्शन है, ठीक ना, अब समय के अनुसार किया जाएगा। नहीं मान लीजिए वो तो टिकट के होड़ में लगे हुए हैं ना कि टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे, तो उनको समर्थन दे पाएंगे कि नहीं? समर्थन तो जनता देवे करेगी, ठीक ना, पार्टी मायने रखेगा कि फिर थोड़ी जनता देगी समर्थन उनको? आपका विचार क्या है? लोग तो मान लीजिए लोग है कि समर्थन दिया जाएगा। तो भैया कहते वो बोल रहे थे कि हमको अगर कोई बोलता है कि गुड़ी गांव में अगर काम किए हैं तो हमको दो काम गिनवा दीजिए। दो काम एक विवाह मंडप बना दिए हैं, बिजली में थोड़ा बहुत सुधार किए हैं, लेकिन बिजली में और सुधार की जरूरत है, थोड़ा सा भी हवा पानी आता है बारिश होता है तो बिजली गुम हो जाता है, इससे जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी से। फिलहाल कितने घंटा है? फिलहाल मान के चलिए कि बिजली आज अब देखिए अभी हवा आ गया तो समझिए कि बिजली गुम ही गुम है, मतलब थोड़ा सा भी हवा चलता है तो बिजली कट जाता है, थोड़ा सा भी पानी भी पड़ता है तो बिजली गुम हो जाता है। अब आदर्श गांव योजना के तहत आर के सिंह जी इस गाँव को गोद लिए, उसके बाद से इस गाँव में क्या कुछ बदला है? गाँव में तो अभी कुछ बदला नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ एक मिनी ब्लॉक बना है वो बदला है। तो वो तो काफी समय से बना हुआ है, चालू हो गया नहीं, वो नहीं, नहीं, उन्हीं के समय से बना है, ऐसी बात नहीं है, मतलब भाई उन्हीं के समय से लगभग कितना साल हो गया बने हुए? हो गया 4-5 साल हो गया, काम चालू हो गया उसमें? हाँ लमसम काम चालू हो गया है, कर्मचारी अभी नहीं बैठ रहा है, लेकिन कर्मचारी बैठता नहीं है लोग तो काम कैसे चल रहा है? अभियान देखिए, अभी स्वच्छता अभियान जो चला है, अब पता नहीं राम मनोहर लोहिया के नाम से है या फिर वो सांसद महोदय जी करवाए हैं, लेकिन ये भी स्वच्छ अभियान चल रहा है, बढ़िया है। रोडवेज में हमारे गांव में गांव के बच्चे पढ़ने जाते हैं, थोड़ा सा इनको भी ये भी ध्यान देना चाहिए, साइकिल से बच्चे जाते हैं आरा पढ़ने के लिए, इतनी रोड ख़राब है कि बच्चे लोग गिर जाते हैं, थोड़ा सा ये बारिश होता है तो फिर सरैया 15 किलोमीटर दूर होकर जाना पड़ता है, वैसे आरा हम लोग को 6 किलोमीटर पड़ता है, बच्चे लोग साइकिल से नहीं जा पाते हैं, ये लोग भी थोड़ा सा मतलब। गाँव में विकास हुआ है कि नहीं? गाँव में ऑलरेडी बिजली के मामले में विकास है, लेकिन यही है कि बिजली जो है हल्की बारिश हो या हल्की से हवा आए बिजली कट जाती है, कट ऑफ ज़्यादा मिलता है। स्वास्थ्य शिक्षा और रोजगार में क्या कुछ बदलाव आया? स्वास्थ्य में बहुत पहले वादा किए थे कि हम हॉस्पिटल बना के देंगे 10 बेड या 20 बेड का, लेकिन अभी तक इस पे कोई निर्णय नहीं हुआ है, ये बहुत ज़रूरी है हॉस्पिटल। आर के सिंह जी आए थे तो हॉस्पिटल के लिए वादा करके गए थे यहाँ से जी? बोले थे
लेकिन पब्लिक में नहीं बोले थे। देखिए भैया आर के सिंह जब आते हैं तो पता नहीं कहाँ बैठते हैं कहाँ नहीं बैठते हैं, हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन मतलब गांव में नहीं घूमते हैं, इस गांव में आते हैं, लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं, गांव में घूम नहीं पाते हैं, पूरे समाज से गांव में घूमते नहीं है। वो कहीं बैठ जाते हैं, स्कूल हो या कहीं एक जगह अपना बैठ जाते हैं और वहीं सब गाँव का। अच्छा, आप देखे हैं कि नहीं उनको? सबसे पहले देखिए, वो तो इलेक्शन से पहले हम देखे हुए हैं, गाँव में कभी नहीं दर्शन हुआ नहीं थे उस टाइम में, बहुत पहले हम देखे थे आराम में। गांव में दर्शन हुआ है कि नहीं? गांव में नहीं देखे हैं, गांव में हम नहीं देखे अभी है। अच्छा, और भी लोग यहां पे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इस लोकसभा क्षेत्र से आरके सिंह जी सांसद हैं अभी फिलहाल में, और आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव को गोद लिए हैं, तो उस समय से अभी क्या कुछ बदला है? जो सामने हम लोगों को नज़र आता है, जैसे कि रोड पे आदमी चलने वाले होते हैं, चलते रहते हैं, कोई कोई बात हो जाती है तो हम लोगों को परेशानी हो जाती है। यहाँ जो है इत्तफाकी वाली बात हो जाती है, हमारे तरफ से कुछ लोग, उनके तरफ से कुछ लोग भी हो जाते हैं। तो कहने का मकसद है कि हम लोग आपस में मिल के चलने वाले हैं, आज से नहीं, हम लोग खानदान दर खानदान जो है, पुराने आदमी लोग जो थे, मोहब्बत था, अब ऐसा हो गया है कि मोहब्बत बढ़ गया है हम लोगों में, कोई किसी को देख नहीं सकता। और ये जो समाज के बारे में कह रहे हैं कि अभी जो भी ऐसा क्या हुआ कि बता रहे हैं कि मोहब्बत बट गया, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए कि मोहब्बत बटने का वजह होता है कि आदमी एक जगह बैठ के समझाया जाता है सब लोगों को, अब आप वहाँ बैठ गए तो हमको कुछ मालूम नहीं है, इनको कुछ मालूम नहीं है। जब इकट्ठा होता आदमी, सब लोग को समाज को कहा जाता है कि भाई इकट्ठा हो जाओ और होने के बाद में अपना काम जो है समझ लो, बात समझने के बाद में काम आगे में बढ़ाइए। अब आए और चले गए, हम लोगों को कुछ पता लगता नहीं है, अब तक उनकी भेंट भी नहीं हुई है। ऐसे गाड़ी आता है रोड से, अंदर ढूका, उसके बाद आए फिर चले गए, दिखाई नहीं देते, दिखाई नहीं देते हैं। अच्छा, आप ही के गांव के जस्ट बगल में जो कहरी गांव है, वहां से पवन सिंह जी भी हैं, वो भी चुनाव लड़ने के लिए अब की बार बोल रहे हैं, तो अगर उनको टिकट मिलता है तो उनको क्या समर्थन दे पाएंगे? भाई जब समाज जैसा होता है अपने दिल के मुताबिक दूसरे को समर्थन करता है आदमी, जिसके ऊपर जो होता है वो करता है। अब तो लोग समाज यहाँ देखिए, हमसे पुराने आदमी यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग गार्जियन हैं, हम लोग गार्जियन से भी पूछा जाएगा, लेकिन आपकी राय क्या है? बस हमारी राय सब वही है कि जो समाज करेगा वही करेंगे हम लोग, हम लोग तो समाज में रहते हैं भैया, चाहे दो कोई भी बरादर हो, हम लोग मिलजुल कर रहते हैं, हम लोग की बिगाड़ नहीं करना चाहते, मिलजुल कर बुलाते हैं तो जाते हैं, कहीं भी जाते हैं। लेकिन मत जो होता है, वोट जो होता है, वो खुद का अधिकार होता है ना? हाँ, नहीं तो वो तो समय वक्त आने पर इंसान अपना दिल की अपनी राज किसी को बताता नहीं। जाते जाते एक बात पूछना चाहेंगे, इस गांव का विकास उनके आने के बाद से जब से गोद लिया हुआ है, ये सब रोड हो गया है, बहुत सा ऐसा काम हुआ है जो उनके रहने पर आर के सिंह जी ने किया। पहले कीचड़ था, पाकी था, आदमी चलता है फिरने में दिक्कत था, तो लोग बता रहे हैं कि ये तो मुखिया जी द्वारा किया गया, तो मुखिया द्वारा किया गया है, तो मगर आर के मुखिया का ही है, मगर नाम तो उनका आर के सिंह का हो रहा है बस। अरे कि आर के सिंह गोद लिए, आर के सिंह गोद लिए हैं, उन्हीं के थ्रू से हो रहा, तो मतलब गोद लेने के बाद से ही सब दिशा दशा बदला हुआ है, बस बदला हुआ। अच्छा, और चाचा हैं, क्या कहिएगा आप? कहाँ हम कहें, आर के सिंह से तो हमारा यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ, आज के कोई बोर्ड नहीं टेंगा, एक सोलर लाइट टंगा है रोडवा पर, और तो कुछ हुआ नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं बना, कोई ऐसी कुछ नहीं बना, रोड में कहीं काम भी नहीं है, जहाँ लगेगा वहाँ बोर्ड लगेगा उनको। लोग कह रहे हैं तो सही ही है, बदला ही। इसी गांव के हैं ना? हम भी इसी गांव के हैं, तो उन लोगों के कहने से क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? आपका मत था कि लोग कह रहे हैं कि बदला है, तो लोग को मतलब वो लोग देखे होंगे कि बदला है तभी अपना व्यू प्रकट किए हैं, ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो काम हुआ है, लेकिन उनसे इससे और ज्यादा अपेक्षा की जा सकती है। ठीक, आदर्श गांव गोद लिया इसलिए? आदर्श गांव से नहीं, एक बहुत बड़ा गांव है ये, जो गुंडी पंचायत का ये जो पूर्वी गुंडी गांव है, बहुत बड़ा है, यहां की आबादी लगभग 25,000 से 30,000 है। ठीक, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये केवल सड़क और पूरे ये आयर इलेक्ट्रिसिटी सुधार देने से टोटल चीज़ों पर अगर कहा जाए तो संभव। अगर बात किया जाए शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के तौर पे, यही ना विकास, आम जनता तो कम से कम बेसिक नीड से ही है, तो इसमें कहाँ तक विकास हो पाया? देखिए, अगर विकास हुआ हमारे यहाँ, आज मान के चलिए कि 2 या 3 से ज़्यादा मिडिल स्कूल है, 2-3 प्राइमरी स्कूल भी कार्यरत हैं, हाई स्कूल भी है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मतलब उनकी भी है और बिहार सरकार की भी है कि शिक्षा को सुदृढ़ करे। ठीक, अपने स्तर से भी ये कार्यरत हैं और
हम यही कहेंगे कि हमारे यहाँ और ज्यादा अपेक्षा की जा सकती है। सबसे जब आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव को गोद लिया जाता है तो मतलब जिला का टॉप गांव बनाना चाहिए था। हाँ, तो जिला का टॉप बनाना चाहिए था, तो आप मॉनिटर करिए और जिला से और इस जिला के और कुछ गाँव से और इस गाँव की तुलना करिए। आप भी मीडिया हैं तो आपको पता चलेगा बहुत से गाँव में आज जाने के लिए पतली सड़क नहीं है। हमारे यहाँ चारों तरफ मान लीजिए कि उस तरह का 15 फीट का सड़क है जो आप कहीं से भी कनेक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो मतलब पार्टी से रूप से हट करके एक बात और सुनने को मिला, गांव में अस्पताल के लिए आर के सिंह जी कह के गए थे, लेकिन अस्पताल बना है कि नहीं? नहीं, अस्पताल हमारे यहाँ कोई अभी रनिंग में नहीं है। ठीक, और उनसे ये मांग ही नहीं है, एकदम नितान्त उसको उनको इस लोकसभा में अगर वो आते हैं, अगर जीतते हैं तो उनको फर्स्ट प्राथमिकता के तौर पर इस गाँव में कम से कम 50 बेड का एक हॉस्पिटल सेंक्शन करना होगा। ठीक, चूँकि हमारे यहाँ और जनरल जो भी थोड़ा बहुत विकास तो हमेशा चलते ही रहेगा, लेकिन हॉस्पिटल की आवश्यकता हमारे यहाँ बहुत है, क्योंकि 10 गांव इस गांव से रिलेटेड हैं और एक भी हॉस्पिटल नहीं है। नहीं, हॉस्पिटल नहीं, आज भी थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो उसके लिए भागना पड़ता है सरैया यारा, जो सब लोगों के लिए संभव नहीं है। अच्छा, शिक्षा के तौर पर क्या कुछ विकास हुआ है? विद्यार्थी के लिए यहाँ पर लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए, सरकारी लाइब्रेरी। हाँ हाँ, लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि बहुत से विद्यार्थी इधर उधर चले जाते हैं, प्राइवेट लाइब्रेरी में जाते हैं, वही सब। चलिए, और क्या कुछ कहा जाए? अभी हम लोग गुड़ी गांव में मौजूद थे, यहाँ जो भी यहाँ पे गांव के निवासी थे उन्होंने बताया कि किस तरीके से आदर्श ग्राम योजना के बाद से आर के सिंह जी का जो विकास है वो कहाँ तक पहुँचा है। कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा कि क्या गुड़ी गांव का जो विकास है आदर्श ग्राम योजना के तहत उन्होंने अगर गोद लिया तो क्या इस गाँव का विकास काफ़ी तेज़ी से होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? इस गाँव में हॉस्पिटल की मांग है वो पूरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।